धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धोलेरा SIR भारत का सबसे बड़ा और पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC रूट पर अहमदाबाद गुजरात के पास विकसित किया जा रहा है। इस शहर को बनाने की घोषणा से पहले यह सूखे झुलसे हुए उजाड़ रेगिस्तान जैसा इलाका था। मार्च 2016 में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को 22.54 स्क्वायर किलोमीटर रोड और सर्विस ABCD बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इतना बड़ा शहर बनाने में रफ्तार बहुत मायने रखती है। धोलेरा SIR को भारत के पहले स्मार्ट शहर के रूप में माना गया है, जो गुजरात के गतिशील राज्य में स्थित एक शहर है। यह परिभाषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि आने वाले समय में आधुनिक भारत कैसा दिखेगा। यह परियोजना केंद्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वप्निल परियोजना है। धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफी विकास करना होगा, जैसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, मेट्रो ट्रेन, DMIC पावर हब परियोजना आदि। यह हर तरह से एक बहुत ही योजनाबद्ध शहर होने जा रहा है। विकसित किए जाने वाले 100 स्मार्ट शहरों में से धोलेरा SIR गुजरात उस विजन का नेतृत्व कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने बुना है। धोलेरा SIR को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब यानी देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए इंजन के रूप में विकसित करना है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सपोर्टेड है। परियोजना का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में रोजगार क्षमता को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन को तिगुना करना और क्षेत्र से चौगुना निर्यात करना है। गुजरात सरकार जानती थी, अगर हमको इस शहर को पूरी तरह से वायरलेस सेंसर बेस तैयार करना है, तो हमको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बेस करना होगा। उसके लिए हमें बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। बेस्ट कंसल्टेंट में हमें विप्रो, IBM, सिस्को साथ में लिए। विप्रो, IBM, सिस्को ने मिलकर बिग फ्री सिटी तैयार कर दी, जो इसकी टेक्नोलॉजी को धोलेरा ABCD बिल्डिंग से कनेक्ट करती है। ABCD बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट करता है, यानी किसी भी प्रकार की फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, पुलिस, सिक्योरिटी सर्विलेंस, डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, रेन, यह सारी की सारी चीजों एक ही बिल्डिंग से कनेक्ट कर दी गई हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में औद्योगिक शहर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR को अपनी प्रतिष्ठित ग्रीन सिटी प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है। धोलेरा ने वास्तव में हरे रंग की डिजाइन में सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया है और भविष्य के भारत के लिए आदर्श है। धोलेरा में विभिन्न क्षेत्रों को पहचान देने वाले विभिन्न मौसमों के आधार पर पेड़ों को सावधानी पूर्वक चुना गया है, जैसे चितौन, जकरंदा, पिंक लापाचो, नीम, गुलमोहर, पीला गुलमोहर, जो समाज के सभी सदस्यों और पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बहुत शानदार हैं। प्लांटेशन का जो ये बेहद खूबसूरत थीम है, लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से लिया गया है। क्यों भारत को बहुत सारी स्मार्ट सिटी की जरूरत है? यदि हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई, तो आने वाले कुछ सालों में देश के सारे मेट्रो चौक हो जाएंगे और स्लैब में बदल जाएंगे। कारण पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे गाँव से जो लोग शहरों में माइग्रेट हो रहे हैं, वहां के लिमिटेड इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है। इस शहर की बेहद दिलचस्प बात यह है, यह शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, चाहे पानी की बात करें या बिजली की। SIR क्षेत्र में कोई बारहमासी नदियां नहीं हैं और मौजूदा नदियां वर्ष के लगभग 9 महीनों तक सूखी रहती हैं। इसलिए 8 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण किया जा रहा है।
जिसको नर्मदा की सहायक नदी से जल निकास के लिए जोड़ा जाएगा। बिजली के मामले में इसका लक्ष्य है 5000 मेगावाट की क्लीन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। इस विशाल सोलर पावर प्लांट को बनाने की जिम्मेदारी अभी वर्तमान स्थिति में टाटा कंपनी और O2 कंपनी के बेहद जोशीले और डेडिकेटेड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर पर है। यह टाइम प्रोजेक्ट का पीक टाइम है और प्रोजेक्ट के पीक टाइम में यहां 1500 लोग काम करते हैं। धोलेरा SIR का काम 24 घंटे चलते ही रहता है, 8-8 घंटे। यदि आप भी कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और मैक्स टू मैक्स रिटर्न लेना चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है जो आपको अगले 5 से 10 साल में मैक्सिमम और बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। इसके लिए धोलेरा आप सबका स्वागत करता है। धन्यवाद।